आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग का है रोपा, और जो दिखाए थे ना कुछ दिन पहले कि हम बेड़ा देखने आए हैं, और उस दिन छोटा छोटा था तो बढ़ चुका है, और आज मम्मी किसी को ले गई है साथ में उखाड़ने के लिए। तो 12 बजे के बाद हम लोग का रोपा है, तो अभी उखाड़ लेगी तो हम भी जा रहे हैं, हम लोग का थोड़ा सा हेल्प करा देते हैं मम्मी का। तो हम पहुँच गए धान खेत, ये तौलिया लेकर आए हैं पीछे बांधने के लिए, क्योंकि पीछे बहुत ज़्यादा छिटक जाता है ना तो कपड़ा बच जाएगा। ये रही मेरी मम्मी, और किसी को लाई है, बेड़ा उखाड़ रही है अभी। तो जल्दी से हम ये तौलिया बांध लेते हैं पहले। कितना देर में खत्म हो हम? कितना देर में खत्म हो? अभी हम जा रहे घर, क्योंकि मेरी मम्मी हमको घर भेज रही है। हम ना दो ठो बीड़ा उखाड़े, फिर मम्मी मेरी मम्मी देखी ना मेरा बीड़ा उखाड़ना तो ना हंसने लगी। फिर उसके बाद बोली ना कि तुमसे नहीं होगा, तुम सीधे घर जाओ, फिर रोपने के टाइम आ जाना, क्योंकि वो लोग भी अभी आएगी खाने के लिए घर। अभी बज रहे दिन के 12, और अभी हम लोग का रोपने का टाइम हो गया है, क्योंकि सुबह ही मतलब सारा बीड़ा मम्मी उखाड़ ली थी। तो अभी हम लोग जिनको जिनको बोले थे ना वो लोग खेत पहुँच गया है, सिर्फ हम बाकी है। तो अभी हम भी चलेंगे, पर एक मेरा पार्सल आ रहा है तो पहले वो रिसीव कर लेंगे, फिर उसके बाद खेत चलेंगे और आप लोग को दिखाएंगे कि हम किस तरह से रोपते हैं। और कमेंट में बताइएगा कि हम अच्छा रोप रहे या नहीं रोप रहे, क्योंकि मेरा आई फ्लू भी हो गया है ना, तो ज़्यादा हम खेत में तो नहीं रहेंगे, और फिर हमको कोचिंग भी जाना है। तो सबसे पहले तो पार्सल रिसीव कर लेते हैं, फिर उसके बाद खेत चलेंगे सीधे। तो ये रहा मेरा पार्सल, अभी जस्ट हम रिसीव किए हैं, तो अब सीधे चलते हैं खेत। खेत, और देखिए ये लोग, बच्चा लोग है इधर, उधर बड़े लोग हैं, और आधा खेत रुपा चुका है, हम लेट से आए हैं। तो अभी हम भी जा रहे रोपने के लिए, तो प्लीज मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। ये सब लोग मेरा भाई लगता है, भाई बहन और उधर मेरी दीदी, सब चलते हम भी घुस जाते हैं। यहाँ पे रोको, यहाँ पे।
आधा रोक लिए, अब जा रहे हैं कोचिंग क्योंकि टाइम हो गया है। तो पहले पैर हाथ धोते हैं, फिर बर्तन धो लेते हैं और उसके बाद सीधे तैयार होंगे और कोचिंग के लिए निकलेंगे।